चर्चा हो रही है धोती के बारे में, ये बहुत ही जरूरी है। साहब का ऑर्डर है जी, इन ओरिजिनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस मोहम्मद अनवर एफएलओ इतने नंबर कोर्ट बाय ऑर्डर डेटेड 22/17 डायरेक्टेड एन इंक्वायरी इनटू द एक्ट क्लेम कंपलसेशन एम्प्लॉयमेंट साहब, इसका ये मतलब है कि इन्होंने एनजीजी को ऑर्डर दिया है कि रिटायर्ड जज की एक कमेटी बनाई जाए जो लोग यहाँ फेक डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं और डिपार्टमेंट से मिली भगत करके ये ऑर्डर कराते हैं, उन पर इंक्वायरी करके और रिपोर्ट भेजी जाए, क्या इस पर कोर्ट का कोई डायरेक्शन हो सकता है, और दिल्ली गवर्नमेंट को भी इन्होंने उसमें इन्वॉल्व किया। अभी आपने सुना जो मेन केस है, अभी जो अभी बताया साथी ने, कुछ केसेस डब्ल्यूसी का जो चल रहे थे पहले, एक आपके बीच में एडवोकेट नैन साहब है, वो बहुत केसेस लगाते थे इस तरीके के केस, वर्कर हो ना हो अकाउंट उसके खुल जाते थे और डिपार्टमेंट के अफसरों के साथ मिलकर के ऑर्डर करा करके उसका खाता खुलवा के वो पैसे निकाल लिया जाता था। इस तरीके से बहुत केसेज आए हैं जो हाई कोर्ट के नॉलेज में आया हुआ है, करीब 300 केसेज हैं जो ये हाई कोर्ट के नॉलेज में आया है। हाई कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया हुआ है कि एक कमिटी बना करके इसकी जाँच की जाए कि प्रॉपर जो आदमी इस तरीके का काम किया है वो क्या क्या सही है, पूरे इसकी इंक्वायरी की जाए और डिपार्टमेंट में का कैसा उसमें इन्वॉल्वमेंट है उसकी इंक्वायरी की जाए और इसके ऊपर एक्शन किया। उसके साथ एक सुझाव आ गया आपके बीच में कि अगर ये और भी अथॉरिटी है, स्टॉप एक्ट, मिनिमम वेज एक्ट, ग्रेजुएटी एक्ट, ये डब्ल्यूसी एक्ट जो यहाँ चलता है कंसल्टेशन में, यहाँ लेबर डिपार्टमेंट में, अगर इसको किसी जज के हवाले कर दिया जाए, वहां सुनवाई हो तो प्रॉपर तरीके से सुनवाई हो सकती है, सुझाव दिया है। डायरेक्शन अभी नहीं दिया लेकिन बहुत चीजें ऐसे लोग आ रहे हैं डायरेक्शन दे दिया, लेकिन मैं आपके नॉलेज में डालना चाहता हूँ, सुझाव है अभी क्लियर नहीं हुआ है, तो मेरा ये सुझाव है कि सभी ट्रेड यूनियन साथी और अदर्स जो वर्कर साइड से जो एडवोकेट मिल करके अगर वहाँ पे पार्टी करे इस चीज को करे कि नहीं यहाँ कितनी परेशानी आ सकती है कोर्ट में मजदूरों के साथ, तो शायद हो सकता है ये चीज। बाकी केस में अगर कुछ नहीं है तो इंस्पेक्टर से भी दो लाइन हम आप सब लिखवा लेते हैं कि मालिकों ने माना पैसे नहीं दिया, उस आधार पे स्लो पैक्स में ऑर्डर हो जाता है और अफसर अनदेखी करके समझो या जैसे भी करके कर देते हैं और वर्कर का बेनिफिट हो जाता है। मिनिमम वेज में इस तरीके से बहुत ऐसे चीज़ें आती है जो लेबर डिपार्टमेंट से आप करा लेते हैं, लेकिन कोर्ट में ऐसा नहीं चलेगा, ये सब जानते हैं। वहाँ तो जाते ही गेट पे पहले सिर नीचे, डॉक्यूमेंट्स दीजिए, अगर प्रूफ है डॉक्यूमेंट्स है तो ऑर्डर लीजिए, नहीं है तो घर बैठे। यहाँ तो अथॉरिटी के सामने हम भी चिल्ला लेते हैं, आप भी सब शोर भी मचा लेते हैं, कुछ हल निकल जाता है, लेकिन प्रॉपर कोर्ट में हल वही निकलेगा जिसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होगा और जो प्रॉपर तरीके से वहाँ पे फाइट करेगा।